गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर लीनियर इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक मैथ्स रूल, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए एक बार, क्योंकि उसमें जो साइंस को लेके डिस्कशन हमने किया था वो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहां पर आपको दिक्कत आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसको चालू करते हैं। ये बेसिकली 9th स्टैंडर्ड का है एंड इसका जो कंटिन्यूएशन है वो 10th स्टैंडर्ड में भी है, तो मैंने इसीलिए 9th स्टैंडर्ड से चालू किया है ताकि जो 10th में जा चुके हैं उनको अगर ये समझ में नहीं भी आता होगा, कुछ दिक्कतें हैं जो अभी भी कंफ्यूज करते होंगे, तो उनको सीखने मिल जाएगा एंड जो 9th में है उनका भी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जब भी आप लीनियर इक्वेशन करें तब आपको जो पहला चीज ध्यान रखना है कि अरेंज द इक्वेशन अल्फाबेटिकली। हमेशा जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। लाइक एक्स वाई जेड के साथ वैल्यूज दिए हुए होते हैं, तो पहले अगर वाई दिया हुआ होगा, पहले जेड दिया हुआ होगा, या फिर एक्स को बाद में दिया हुआ होगा कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, पहले अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर लेना है। पहले एक्स को रखना है, फिर वाई को रखना है, फिर जेड को रखना है, फिर वो इक्वेशन तैयार होगा। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देन जो स्टेप है वो है फाइंड एनी वन इक्वल वैल्यू विथ सिमिलर वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन। चलिए देखते हैं, ये जो इक्वेशन है यहां पर दो इक्वेशन लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पहले वाले इक्वेशन में ही हमें क्या देखना है, फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन अल्फाबेटिकली। तो यहां पर अल्फाबेटिकली तो है नहीं, पहले y है फिर x है, तो x पहले आता है ना, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले अल्फाबेटिकली सजा लेना है। तो चलिए इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजा लेते हैं। x, यहां पर x 1 है तो 1x एंड x के साथ माइनस साइन है तो माइनस x। यहां पर जो 2y है वो पॉजिटिव में है, यहां पर कुछ नहीं है, इनविजिबल है, मीन्स इधर पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो का जीरो ही रहेगा। एंड ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब आपको ये फर्स्ट वाला इक्वेशन नहीं देखना है, आपको बस ये दो इक्वेशन देखना है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि फाइंड एनी वन इक्वल वैल्यू विथ सिमिलर वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन। अब आपको देखना है ये जो दोनों इक्वेशन है, जो वैलिड इक्वेशन है, उन दोनों में इक्वल वैल्यू का आपको ढूंढना है। तो देखिए विथ सिमिलर वेरिएबल, तो सिमिलर वेरिएबल मीन्स ये एक्स एक्स है लेकिन इनके जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। इधर 10 है तो यहां पर 1 है, यहां पर वाई वाई तो है लेकिन यहां पर 15 है, यहां पर 2 है, तो आपको तो मिला नहीं ये वाले दोनों इक्वेशन में कि कोई भी वैल्यू सेम हो, नहीं है। तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या बोलता है, इफ ऑल द वैल्यूज इन बोथ द इक्वेशन आर डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट है ना, then choose any one equation and make any one value with its variable equal by multiplying with appropriate number। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को चूज करना है और उसमें हमें क्या चेंजेस करना है कि कोई भी एक वैल्यू को, या तो x के वैल्यू को या तो y के वैल्यू को, हमें इस तरीके से चेंज करना है by multiplying जिस भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा हम करेंगे, लेकिन जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसके वैल्यू से मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10 को अगर मैं ये वाले इक्वेशन में देखूं, 10 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं क्या वो 1 होगा क्या, नहीं। 15 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं क्या वो 2 बन सकता है क्या, नहीं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, नीचे वाला इक्वेशन, क्या मैं एक्स में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि वो ऊपर वाले इक्वेशन के साथ इक्वल हो जाए। तो हां, यहां पर 1 है ना, तो मैं यहां पर 1 इंटू 10 करूंगा तो 10x बन सकता है वो। क्या 2 में कुछ मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 हो सकता है, तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि 2 7 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 15 नहीं होता। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले चेंज। तो देखिए, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि ऊपर 10 है ना। हमें क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू को विथ इट्स वेरिएबल इक्वल करना है बोथ द इक्वेशन में। तो इक्वेशन 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, तो हमें जो मिलेगा
जो एक नया इक्वेशन मिलेगा वो होगा कि अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा मुझे माइनस 10x प्लस 2 इंटू 10 20y इज इक्वल टू 10 इंटू 0 0। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब आपको फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन देखना है क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग 10, तो ये अब इनवैलिड हो गया। आपको अब ये वाला इक्वेशन वैलिड एंड ये वाला इक्वेशन वैलिड देखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, तो इसके आगे क्या था, सो दैट यू गेट एटलीस्ट वन इक्वल वैल्यू विद सिमिलर वेरिएबल। तो देखिए हमें एटलीस्ट वन इक्वल वैल्यू विद सिमिलर वेरिएबल मिल चुका है इन बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन में। ओके अब नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व द साइंस ऑफ द सिमिलर वैल्यू इन बोथ द इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको मिल तो गया सिमिलर, अब आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ये वाला 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो दो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है इफ द साइंस आर सिमिलर, सिमिलर का मतलब अगर दोनों प्लस प्लस में होते या फिर माइनस माइनस में होते देन यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना होता, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता, स्मॉलर इक्वेशन फ्रॉम बिगर इक्वेशन। तो इन दोनों में से जो बड़ा होता उस वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता, वो हम करेंगे। फिलहाल इसमें तो सिमिलर है नहीं, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एडिशन। देखिए इफ द साइंस आर डिफरेंट देन यू हैव टू डू एडिशन। ओके तो अगर साइंस डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एड करेंगे। तो चलिए देखते हैं एड करके। अब एडिंग में भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों आपको देखना है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन में वर्टिकली करते हैं और उसमें ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं आता है, जरा देख लीजिए। तो ये वाले कॉलम में हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली मैं इन दोनों को लिख लेता हूं पहले। तो देखिए हॉरिजॉन्टली में आपको कोई ऑर्डर नहीं देखना होता है, सिर्फ दोनों को हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए। तो ऑर्डर नहीं देखना होता है का मतलब होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है वो नहीं देखना होता है। तो लिखेंगे 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105 ब्रैकेट एक इक्वेशन, एंड दूसरा वाला इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट में। इन दोनों को मुझे करना क्या है, एडिशन करना है। ओके यही चीज को हम यहां लिख लेते वर्टिकल फॉर्म में। तो 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105 एंड माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 0। ओके अब देखिए ब्रैकेट ओपन करना है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले वाले ब्रैकेट का कुछ चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही आता है नीचे विदाउट ब्रैकेट। तो लिख लेंगे 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105। अब नेक्स्ट वाले के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो अंदर कोई भी साइन किसी भी नंबर का चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। उसका रीजन भी है, बाहर प्लस है ना तो उसको मैच करके कंपेयर करके देखिए। ये कंपैरिजन आप पहला वाला वीडियो देखेंगे बेसिक मैथ्स रूल का तो आपको समझ में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है तो देखिए 10 में ऑलरेडी माइनस था तो 10 ऑलरेडी माइनस में ही आया, प्लस 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 ही होता है, 20y इज इक्वल्स टू प्लस, ये 0 प्लस में है ना तो प्लस 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 ही होता है। कोई चेंजेस हुआ क्या, माइनस 10x प्लस 20y प्लस 0, माइनस 10x प्लस 20y प्लस 0, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए ये वाला 10x और ये वाला 10x, मैंने बताया है ना आपको कि नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर उसका साइन रहता है, तो यहां पर 10 के लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं है, मीन्स पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव ऑलरेडी है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होता है, कैंसल, तो यहां पर भी कैंसल। नेक्स्ट प्लस 15y प्लस 20y, दोनों में प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो 15y प्लस 20y इज 35y। तो यहां पर भी 15 प्लस 20y, देखिए दोनों प्लस में है तो 35y। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 20, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव में रहने दीजिए, इनविजिबल मीन्स पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पर भी 20 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही रहेगा। इज इक्वल्स टू 105 एंड 0, दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ेंगे, 105 ये 35 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में,
तो डिवीजन करेंगे तो y का वैल्यू निकलता है 3 जा 3। अब यही y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज 9 स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन के लेसन चैप्टर में से, तब हम इसके आगे क्या करेंगे। आपको सिर्फ मैं इसमें यह बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब आप वर्टिकली करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हॉरिजॉन्टली आप चीजों को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि वर्टिकली में ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर भी सेम वही आएगा, 105 अपॉन 35 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो एडिशन में कोई ज्यादा टफ नहीं था कि कुछ चेंजेस करना है कुछ चेंजेस नहीं करना है, साइंस का एडिशन बहुत ही स्मूथली इजीली हो जाता है। अब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए इसको जब करेंगे अगेन वही स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन अल्फाबेटिकली, तो इसमें पहले देख लेते हैं अल्फाबेटिकली है कि नहीं, एक्स वाई अल्फाबेटिकली है। सेकेंड स्टेप, फाइंड एनी वन इक्वल वैल्यू विद सिमिलर वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन। सिमिलर वैल्यू ढूंढते हैं, 3 1 5 3 नहीं है सिमिलर। तो जब सिमिलर आपको नहीं मिलता है आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को चूज कीजिए। क्या 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? नो। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा? नो। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, क्या 1 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा? यस। 3 में करूंगा तो 5 आएगा? नो। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है, तो इसको जल्दी से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अप्रोप्रिएट नंबर। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, तो उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो कौन सा इक्वेशन होगा? अगर मैं 3 से 1 मल्टीप्लाई करूं तो 3x माइनस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 24। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, एंड सेकेंड वाला इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ही हमने 3 से मल्टीप्लाई करके चेंजेस किए हैं, तो नया एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। तो ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना है साइंस, सिमिलर वैल्यू जो है उसके साइंस देखने हैं। तो सिमिलर वैल्यू कौन से है? 3x 3x, उनके साइंस को देखिए, ये भी पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में है। तो जब सिमिलर रहते हैं, मैंने यहां पर स्टेप्स में आपको बताया है ना, स्टेप्स में क्या है कि जब सिमिलर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे साइंस, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, एंड कैसे सब्ट्रैक्शन करना है? स्मॉलर इक्वेशन फ्रॉम बिगर इक्वेशन। तो देखिए इसमें तो पहले पहचानिए कि बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है 16 छोटा है। तो 24 में से हम फर्स्ट वन को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे इधर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। देखिए फ्रॉम 3 क्यों? क्योंकि हम 3 में से 1 को करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखना भूल गया था, लिख देता हूं एक बार कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अब डिफरेंस देखिए, यहां पर हम लिखते हैं एंड, यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम, वो भी फ्रॉम के बाद कौन सा इक्वेशन आना चाहिए, जो बड़ा है वो। यहां पर कोई कुछ देखना नहीं पड़ता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहां पर देखना पड़ता है, यहां पर थर्ड वाला बड़ा है उसको यहां रखना है। अब जो बड़ा है वो पहले आएगा, फ्रॉम करना है ना, तो इसमें से ये माइनस होगा तो ये हमेशा ऊपर आएगा। तो हॉरिजॉन्टली में इसको पहले लिखेंगे 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24, देन फर्स्ट वाला 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16, एंड दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसी को वर्टिकली लिख लेते हैं, 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। अब यहां पर बहुत ध्यान देने वाली चीज है, देखिए पहला वाला ब्रैकेट मैंने बताया था कोई चेंजेस नहीं होता, जैसा है वैसे ही नीचे आता है। तो 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24, अब आएगा चेंजेस। यहां पर 3x ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव में है, कुछ नहीं है मीन्स पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 3x। ओके, तो ये देखिए यहां पर 3 का साइन चेंज हो गया, तो यहां पर भी इसीलिए माइनस साइन आता है, हम ऐसे लिखते हैं ना। यही चीज में आपको कंफ्यूजन होता है, यही चीज को बताने के लिए मुझे पहले एडिशन
अब एक चीज बताना है तो एडिशन भी बताना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले एडिशन बताया जो इजी था। अब इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, यही चीज में आप लोग गड़बड़ करते हो कि ये आता कैसे है। तो ये आया माइनस साइन, अब देखिए माइनस माइनस प्लस फाइव वाई, तो वर्टिकली में कंपैरिजन कहां पर करते, माइनस माइनस प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस प्लस माइनस सिक्सटीन। अब देखिए माइनस प्लस माइनस सिक्सटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइंस आए हैं ये अब अपडेटेड साइंस है, इनके नए साइंस है, तो यही साइंस इनके लिए यूज होगा। तो यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है, ये इसको देखना है कि इसको देखना है, आपको यहां का साइन अब नहीं देखना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला इनवैलिड हो जाता है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, ये माना जाता है। उसी तरह यहां पर कंपैरिजन करने के बाद ये जो नए साइंस आए हैं यही साइंस अब ये नंबर के लिए होंगे। इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर वन में जो नंबर्स थे, ये देखिए इनके जो एग्जिस्टिंग साइंस थे, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है इनके जो पहले साइंस थे, जैसे थ्री पॉजिटिव था, प्लस में था, फाइव नेगेटिव था, सिक्सटीन पॉजिटिव था, यहां पर अब वो चेंज हो चुका है, उल्टा हो गया। देखिए पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो अब ये सारे साइंस इनके लिए होंगे। तो यहां पर भी वैसा ही, ये जो नेगेटिव साइन है ये अब थ्री के लिए माना जाएगा, ये पॉजिटिव साइन अब फाइव के लिए माना जाएगा, ये नेगेटिव साइन अब नहीं माना जाएगा, उसको नहीं देखना है बिल्कुल, ये नेगेटिव साइन इसके लिए माना जाएगा, इसका पॉजिटिव साइन अब नहीं देखना है। जैसे ही नीचे के ये साइंस आपको मिल जाएंगे, आपको यहां के लोअर सेकेंड वाले इक्वेशन का साइन देखना ही नहीं है, यही चीज को कंसिडर करना है। चलिए आगे बढ़ते, अब देखिए 3x पॉजिटिव में है, यहां पर, यहां पर नेगेटिव में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया था ना, तो ये भी कैंसिल। तो यहां पर अब कैसे समझ में आएगा, यहीं पर सब कंफ्यूज होते हैं। नीचे वाला साइन जो नया साइन है उसको देखना है और ऊपर वाले साइन को देखना है, कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो कैंसिल। ये समझ में कैसे आया, देखिए नेगेटिव माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ऐसा ही है यहां पर, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन एक्चुअली हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ही आपका वो कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये माइनस प्लस करके फिर माइनस होता है ना, तो इसीलिए दोनों कैंसिल, तो वो माइनस प्लस होता कैसे, यहां पर भी जैसे देखते हैं यहीं पर वैसे ही देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट वाला, माइनस नाइन वाई प्लस फाइव वाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो नाइन में से फाइव गया तो फोर वाई, दोनों में से बड़ा कौन है, नाइन बड़ा है, तो माइनस साइन लगाओ। तो देखिए यहां पर मैंने कहा था ना नीचे वाला साइन देखना है, अब ये वाला साइन फाइव का नहीं देखना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो नाइन में से फाइव माइनस किया था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो नाइन में से फाइव गया फोर वाई, दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, नाइन, नाइन का माइनस साइन है तो यहां पर माइनस साइन लगेगा। इज इक्वल टू, यहां पर भी अब इक्वल टू के बाद ही बचा हुआ है, तो 24 प्लस में है 16 माइनस में, तो अगेन प्लस माइनस माइनस होता है 8, तो यहां भी सेम माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 16 जाएगा तो 8 आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 24 बड़ा है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, 24 बड़ा है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रहेगा। आगे का कैसा होता है, अब वाई को अकेला रख दीजिए, माइनस साइन वाई के साथ ही रखिए, आप लोग क्या करते हैं यहां पर लेके आते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, उसका प्लस करना है माइनस करना है, माइनस साइन को वाई के साथ ही रखिए, 8 अपॉन 4, 4 यहां पर मल्टीप्लाई में ना, इधर लाइए तो डिवाइड हो जाएगा, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, ये कैंसिलेशन भी बहुत जन को नहीं आता है, आप प्लीज सीखिए, इसके लिए जरूरत पड़े तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो यहां पर आएगा 2, अब ये माइनस साइन वेरिएबल में तो रहता नहीं है, उसको ट्रांसफर कर दीजिए 2 के पास। अब ये नहीं सोचना है कि ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 2। अगर कोई इंसान नेगेटिव थिंकिंग का है, ठीक है, मींस बुरा सोचता है, तो उसको अगर मैं कोई भी काम दू तो वो तो नेगेटिव पहले सोचेगा ना, ठीक है, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो सेम वाई नेगेटिव है, उसको 2 वैल्यू मिल गया, लेकिन उसके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही आएगा, उसका पॉजिटिव नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर भी वही y इज इक्वल टू माइनस में रहेगा, 8 अपॉन 4, 4 वन 4, 4 टू 8, माइनस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 2।
अब इसके आगे का जो है कि ये वाला वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब हम उसमें पूरा पूरा सम सॉल्व करेंगे। इसमें मेरा मकसद ये था आपको ये समझाना कि वर्टिकली आपको कैसे समझना है सम को सॉल्व करने के टाइम, ये इधर तक, यहां तक सम को कैसे करना है, ये जो कंफ्यूजन होता है आपको, ये चीज को दूर करना था। क्योंकि जब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे तब मैं बीच बीच में अगर ये बताता रहता तो वो नहीं समझ में आता आपको, इसी वजह से मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, ये तो बेसिक्स थे जो कम से कम समझ में आना चाहिए, उस वजह से था। अब जो सम्स आपको एक्चुअली में आगे जाके आएंगे वो कुछ इस टाइप का होगा। तो देखिए इसमें कैसे इजीली हो जा रहा था कि अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 एंड 10 दूसरे इक्वेशन में सेम आ जाएगा। इसमें देखिए 2 में सेम आ गया इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बट अगर इक्वेशन ऐसे आए तो क्या होगा, जैसे कि 6 है, 6 11 10 एंड ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में है 7 7 5, मीन्स 6 के टेबल में 7 नहीं आता तो आप 6 का टेबल पढ़ नहीं सकते, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कुछ। 11 के टेबल में 7 नहीं आता तो अगेन कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। सेम वे 7 के टेबल में 6 नहीं आता एंड 7 के टेबल में 11 नहीं आता। अब आप क्या करेंगे इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली आपको फर्स्ट वाले के साथ दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बता देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, आप पहले ये डिसाइड कीजिए आपको x सेम करना है कि y सेम करना है। ओके, तो यहां पर मैं y को सेम करता हूं, तो 11 में मैं क्या करूंगा इंटू 7 करूंगा। क्यों? क्योंकि 11 के टेबल में जैसे ही 7 करूंगा 77 होगा और इक्वेशन 2 को मैं 11 से करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 11। आपको समझ में आया, यहां पर इक्वेशन 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इक्वेशन 2 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया? तो देखिए नया जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 अगर मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42x प्लस 7 11 77y = 70 इज द थर्ड इक्वेशन। एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, 11 7 77x प्लस 11 7 77y = 11 5 55, 4th इक्वेशन। इसके आगे तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पहले सेम करना है, स्टेप वाइज जाना है ना, तो सेम कैसे करना है। तो देखिए 77 सेम हो गया, अब आप आगे कर सकते। उसी तरह अगर आपको x को सेम करना है तो आपको क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 में हम x को सेम कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 6। समझ आया आपको अभी? तो देखिए इक्वेशन 1 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 42x प्लस 7 11 77y = 7 10 70। ओके, नाउ 6 है, 6 7 42x प्लस 6 7 42y = 6 5 30। अब देखिए ये दोनों सेम है, पहले वाले में ये दोनों सेम था, तो आप कोई भी वैल्यू को सेम करके आप इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जब तक ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको जब ये सारी चीजें ही समझ में नहीं आएगी तो आप लीनियर इक्वेशन के सम्स करोगे कैसे। तो आई सजेस्ट यू कि बेसिक मैथ्स रूल का जो वीडियो है वो आप देखिए, इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं क्लियर करूंगा। एंड इसके बाद हम 9th स्टैंडर्ड का एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा कल परसों में। एंड फिर धीरे धीरे जैसे 9th का लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे हम 10th का कंटिन्यू करेंगे लीनियर इक्वेशन का ही चैप्टर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनके भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं 9th 10th में, उनके साथ। सो कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।